भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह एक दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मथुरा दौरे पर आए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि मंडल स्तर एवं जिला स्तर पर पार्टी अध्यक्षों का चुनाव संगठन का चुनाव चल रहा है। संगठन में अच्छे लोग आए ताकि संगठन मजबूत हो, इसी दिशा में मैं कार्य कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि स्नातक शिक्षा चुनाव भी वर्तमान में प्रदेश में चल रहा है, इसके लिए भी बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता एवं अध्यक्ष राष्ट्र के प्रति समर्पित भावना से काम करते हैं, चाहे अधिकारी हो या कार्यकर्ता, सभी का दायित्व है कि जब हम सत्ता में आए तो गरीबों की ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, ताकि आम जनमानस को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। जब उनसे स्वाति सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरा सभी से आग्रह है कि ठंडे दिमाग से मीठा बोले, ताकि किसी को तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संगठन पर चुनाव में अच्छे लोग चुनकर आए, यही मेरा मकसद है और इसी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष चुनाव, जिले का भी चुनाव होने वाला है और संगठन में अच्छे लोग चुनकर आवे और आगे संगठन अच्छा चले, इस समय मेरा यही काम चल रहा है। और स्थानीय निकाय स्नातक का चुनाव चल रहा है, जो वर्तमान में राज्य के अंदर प्रबंध समिति के लोगों की बैठक हो रही है और चुनाव की संपूर्ण तैयारियां हो रही हैं। जो स्नातक का है, शिक्षक का है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता चुनाव में लगें, मतदाता बनाएं और चुनाव में लगें। अभी आपने अच्छे अध्यक्ष होंगे, अच्छा होगा, कोई मापदंड है क्या? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो होंगे वो अच्छे ही होते हैं और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर गरीब के लिए सेवा करते हैं और राष्ट्र के लिए संपूर्ण काम करते हैं। स्वाति सिंह जी ने जो मतलब सीईओ को डांट लगाई थी, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जब योगी जी ने संज्ञान लिया क्या है क्या नहीं है, कुल मिला का मेरा यही मत रहता है कि हम सबका दायित्व है, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, अधिकारी हो चाहे मंत्रीगण हो, संगठन के कार्यकर्ता, हम सभी का दायित्व बनता है सत्ता के समय गरीबों की सेवा करना और संपूर्ण गरीबों की योजनाएं उनके तक पहुंचे, वो लाभ पहुंचे, किसी गरीब को तकलीफ न हो और कष्ट न हो, यही हम सबका मकसद है, यही उद्देश्य, इसी लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो थोड़ी बहुत जो बात होती है तो मैं ही सभी से आग्रह करूँगा, राज्य के भी लोगों से, कि हमेशा सर पर बर्फ रखो, मुँह में शक्कर रखो, ठंडे दिमाग से सोचो और मीठा बोलो। अभी आयुष्मान योजना में उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा मतलब पीछे चल रहा है पूरे भारत में, संगठन हमारा आगे चल रहा है, अभी 12 चुनाव में 9 जीता हूँ, आगे अब 2022 की हमारी तैयारी हो चुकी है। अरे सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। राधे राधे, नहीं कानून व्यवस्था नहीं, फिर भी राधे राधे नेता और आप लोग राधे राधे। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।